नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ छवि। रीवा के तेउतर क्षेत्र अंतर्गत रायपुर सोनौरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बीते कुछ महीनों से चिकित्सकों की कमी बनी हुई है, जिसके कारण बीमार मरीज परेशान होते दिखाई देते हैं और उन्हें इलाज की तलाश में इधर उधर भटकना पड़ रहा है। मगर जिले की बेपटरी हुई स्वास्थ्य व्यवस्था पर स्वास्थ्य विभाग मूकदर्शक बना बैठा हुआ है। देश भर में फैले कोरोना वायरस के संक्रमण से निजात पाने को लेकर एक और जहां शासन और प्रशासन के द्वारा लगातार अन्य प्रकार के जतन किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इस कोरोना के संकट काल में अब भी स्वास्थ्य व्यवस्था बेपटरी ही दिखाई पड़ती है। मगर स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी इस ओर किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं दे रहे हैं। दरअसल रीवा जिले के तेउतर जनपद पंचायत क्षेत्र अंतर्गत रायपुर सोनौरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पिछले लंबे समय से डॉक्टरों की कमी बनी हुई है और लोग बीमारी की हालत में इधर उधर भटकते हुए देखे जा रहे हैं और इलाज के लिए लोगों को 100 किलोमीटर तक का सफर तय करना पड़ता है और ये सफर तय करने के बाद लोग या तो रीवा आते हैं या फिर प्रयागराज इलाहाबाद जाते हैं, जहाँ पर उनका इलाज संभव होता है। अब इस कोरोना संकट काल में जहां छींकने तक की दवाई कराना आवश्यक है, ऐसे में लोग इतना लंबा सफर तय करके इलाज कैसे करा सकते हैं और स्वास्थ्य विभाग का अमला इस भीषण संकट काल में भी मूकदर्शक बना हुआ है। इस पूरे मामले पर क्षेत्र की जनपद अध्यक्ष गीता मांझी ने जहां सरकार तक बात पहुंचाने की बात कही है, वहीं जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी RS पांडे ने जल्द ही चिकित्सकीय सुविधा मुहैया कराने की बात कही। CMHO का कहना है कि बीते लंबे समय से जिले में डॉक्टरों की भर्ती नहीं हो सकी और इसके लिए उन्हें राज्य आयोग तक से बात करनी होती है। इसको लेकर उन्होंने कई बार पत्र भी लिखा है, परंतु अब तक लोगों की समस्याओं का किसी भी प्रकार का निराकरण संभव नहीं हो पाया है। तो डॉक्टर साहब मिले क्या? डॉक्टर साहब यहाँ पता लगा जब पर्ची कटाए उसके बाद ये लोग बोले कि डॉक्टर यहाँ कोई उपस्थित नहीं है। तो हमने कहा क्यों उपस्थित नहीं है, कौन दवा करेगा? तो एक हैं बैठे दवाई बांटने के लिए, उन्होंने पर्ची में ही अपने से ही 3 दवाइयाँ लिखी और बोले इसको ले जाओ, देखो अगर आराम हो जाता है तो ठीक है, नहीं आगे जाके दिखाओ, यहाँ डॉक्टरों की व्यवस्था नहीं है। तो बिना डॉक्टर के अस्पताल चल रही? बिना डॉक्टर कोई अस्पताल, मैंने यहाँ कोई डॉक्टर पदस्थ नहीं है, ये उनके द्वारा बताया गया। और एक सिस्टर भी हैं यहाँ और एक वही दवा बांटने वाले मेडिसिन बांटने वाले। डॉक्टर की समस्या ये पहले भी शिकायत मुझे मिलती थी और मैंने जब कांग्रेस की सरकार हमारी थी तभी मैंने निरीक्षण भी किया था और वहाँ फिर 2 डॉक्टर पदस्थ किए गए थे। लेकिन अगर आप बता रहे हैं कि फिर से डॉक्टर नहीं है वहाँ पे, तो हमारे तेउतर क्षेत्र के लिए बहुत ही दुर्भाग्य का कारण है, क्योंकि हमारा तेउतर क्षेत्र बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है और लोगों को आने जाने में बहुत सारी कठिनाई होती है। अगर कोई बीमार होता है तो उसे रीवा या इलाहाबाद जाना पड़ता है, तो रीवा आने के लिए बहुत दूर पड़ जाता है और इलाहाबाद भी जाने के लिए दूर पड़ता है। ऐसे में अगर इमरजेंसी केसेस हो जाते हैं तो लोगों के लिए बहुत कुछ भी घटनाएं घट सकती हैं, लोगों को पहुंचने में दिक्कत आती है। जैसे इलाहाबाद जाना हो तो वहाँ बहुत सारे ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है, रीवा आना है 80 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर आना पड़ता है और ज़्यादा भी पड़ जाता है, यहाँ तक कि 140 किलोमीटर जो पड़ जाता है। अगर वहाँ डॉक्टर नहीं है, आउट क्षेत्र है, तो ये समझ में नहीं आता कि वहाँ भाजपा की सरकार पहले भी रही है, आज भी है, वहाँ भाजपा के विधायक हैं, उन्हें मुझे ये नहीं समझ में आता कि उनको ये क्यों नहीं दिखाई देता। आज इतने सालों से वहाँ कभी 100 बिस्तर का अस्पताल में बेड की मांग की जाती है, कहाँ अस्पताल बनाने की मांग की जाती है, हमेशा मांग को हॉस्पिटल के बारे में हमेशा मांग ही करते आए वहाँ की जनता। लेकिन ना तो वहाँ डॉक्टर पदस्थ हो पा रहे हैं, ना तो हॉस्पिटल बन पा रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्य का कारण है। ये समझ में नहीं आता कि वहाँ के विधायक और सांसद को दिखाई क्यों नहीं देता। धन्यवाद। ये बात सही है कि रायपुर सोनौरी बहुत दूरस्थ स्थान है, रीवा जिले का यहाँ से सबसे ज़्यादा दूरी रायपुर सोनौरी ब्लॉक की ही है। वहाँ पे चिकित्सक की पदस्थापना वर्तमान में नहीं है, दूसरी जगह से चिकित्सक भेजे जा रहे थे, कतिपय कारणों से वो वहाँ पर नहीं जा पाए। तो जैसे ही नई पदस्थापना शासन द्वारा की जाएगी तो हम निश्चित तौर पर उसको भरने का प्रयास करेंगे और लोगों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने में शासन की तरफ से पूरा प्रयास करेंगे। कोरोना संकट काल है नहीं, कोरोना संकट काल तो पूरे देश में पूरी दुनिया में ये बात सही है, पर कोरोना अब चिकित्सकों की पदस्थापना राज्य स्तर से ही होती है। यदि चिकित्सक हमारे पास अभी चूँकि बॉन्डेड चिकित्सक आ सकते हैं, संविदा आ सकते हैं, जैसे भी आएंगे, तो हम वहाँ पर उस पद को भरने की पूरी कोशिश करें।
इस खबर में फिलहाल इतना ही, और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप निरंतर बने रहिए गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। गुड मॉर्निंग टीवी को यूट्यूब में सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबाएं। नमस्कार।